दूसरे फेज से 4 गुना ज्यादा राशि को मंजूरी दी गई है। ये तो आपका विषय है, ताली बजा सकते हैं। मनन मिश्रा ने ताली न बजाए वो तो मैं समझ सकता हूं। पिछले सप्ताह ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। संसद भवन की तरह पिटीशन लेकर ना आ जाए कि फिजूल खर्ची हो रही है। প্রধানমন্ত্রীর কটাক্ষে হেসে উঠলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা। সুপ্রিম কোর্টের হীরক জয়ন্তী উদযাপনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন্তব্যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের মধ্যে হাসির রোল ওঠে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি বুঝতে পারছি যে সুপ্রিম কোর্টের পুরনো বিল্ডিং এ আইনজীবী বিচারপতিরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, তাই কেন্দ্র নতুন বিল্ডিং এর জন্য 800 কোটি টাকা অনুমোদন করেছে। আমি আশা করি কেউ এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করবে না, যেমনটি তারা নতুন সংসদ ভবনের বিরুদ্ধে করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যে উপস্থিত বিচারপতিদের মধ্যে হাসির রোল ওঠে। দেশ কি পুরি ন্যায় ব্যবস্থা সুপ্রিম কোর্ট কে দিশা নির্দেশ আর মার্গদর্শন আপকে গাইডেন্স পর নির্ভর হতি হ্যায়। ये हमारा कर्तव्य है कि इस कोर्ट की एक्सेप्टेबिलिटी भारत के अंतिम छोर तक हो और इससे हर भारतीय की आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसी सोच के साथ कुछ समय पहले ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को स्वीकृति दी है। इसके लिए दूसरे फेज से 4 गुना ज्यादा राशि को मंजूरी दी गई है। ये तो आपका विषय है, ताली बजा सकते हैं। मनन मिश्रा ने ताली न बजाए वो तो मैं समझ सकता हूं, वो आपके लिए कठिन काम था। मुझे खुशी है कि देश भर की अदालतों के डिजिटाइजेशन को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ईज ऑफ जस्टिस के प्रयासों के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। साथियों, हमारी सरकार अदालतों में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए भी प्रतिबद्ध है। 2014 के बाद से इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि वितरित की जा चुकी है। मैं वर्तमान सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में आप सभी को आ रही दिक्कतों से भी अवगत हूं। पिछले सप्ताह ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। बस अब आप लोगों के पास कोई संसद भवन की तरह पिटीशन लेकर ना आ जाए कि फिजूल खर्ची हो रही है। এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি, পরবর্তী অন্যান্য সংবাদ পেতে আমাদের সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।